मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का वक्त आपके मुद्दे की बात का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। आज मुद्दा है दलित जातियों में उनके पिछड़ेपन के आधार पर विभाजन पर बवाल का, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलित राजनीति करने वाली पार्टियों के बीच मतभेद है। राजनीति का तगाजा देखिए, हाशिए के लोगों की राजनीति करने वाली पार्टियां आज दलितों में उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति SC यानी दलितों की जातियों में पिछड़ेपन के स्तर के आधार पर वर्गीकरण करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें यह तय कर पाएंगी कि दलितों में कौन सी जात पिछड़ेपन के आधार पर किस वर्ग में आती है। ऐसा होने पर आरक्षण का फायदा दलित समाज में गहराई तक पहुंचाया जा सकेगा और गिने चुने परिवारों से इतर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आरक्षण की फायदा मिल सकेगा और आरक्षण की सीढ़ी चढ़कर वे अपनी दशा और दिशा सुधार सकेंगे। लेकिन यहाँ किसे पड़ी है जीवन में असल बदलाव लाने की? कथित दलित हितैषी पार्टियां अब अपने अपने वोट बैंक की चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। यूं तो BJP और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के गठबंधन साथियों ने अलग अलग राय दी है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दलितों की दबदबे वाली जातियों के हितों को नुकसान पहुंचाएगी। BJP की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दलितों में उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध किया है। चिराग पासवान कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। आगे चिराग कहते हैं कि आबादी और आय अनुसूचित जातियों के आरक्षण के आधार कभी नहीं रहे। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में चिराग की अपनी जाति पासवान की आबादी 5.31% है, जो यादवों के बाद सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसी तरह चमार 5.25% की आबादी के साथ तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह है। अन्य प्रदेशों में चमार यानी जाटव के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2008 में दलितों में महादलित जातियों का एक वर्ग अलग किया। इसमें दलितों की छोटी से छोटी आबादी वाली जातियों को रखा गया, इसलिए पासवान को इसमें जगह नहीं दी गई। नीतीश ने महादलितों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू की। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी JDU ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तो बिहार में 2008 से ही लागू हो चुका है। बिहार से NDA के साथी एक और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। मांझी मुसहर जात से हैं, जिसकी बिहार में 3% आबादी है। नीतीश ने मुसहर जात को भी महादलितों की सूची में शामिल कर रखा है। चूंकि मुसहर आरक्षण का फायदा लेने के लिहाज से बहुत पिछड़े हैं, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। जीतन राम मांझी की चुप्पी का राज भी यही है। उधर कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया में शामिल राष्ट्रीय जनता दल RJD ने भी लोक जनशक्ति पार्टी की तरह ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में BJP के सहयोगी दलों निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने अपनी जाति को SC में शामिल करने की मांग की है, तो सुभाषपा प्रमुख OP राजभर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में OBC आरक्षण के अंदर विशेष अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। वहीं मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों ने कहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले दरवाजे से दलित आरक्षण खत्म करने की तरकीब है। उधर महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA ने भी दलितों में उपवर्गीकरण के फैसले का कड़ा विरोध किया है। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र की महार जात के बीच प्रकाश आंबेडकर की पकड़ है। महार जात महाराष्ट्र में दलितों में सबसे ज्यादा मजबूत है। दिलचस्प बात तो यह है कि दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रीय दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर दलित नेताओं के आरक्षण के मुद्दे पर विचार अलग क्यों है
इस बेहद गंभीर मुद्दे पर अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।